जो कि अपने आप में ही एक दूसरे के बाप है। एक तो यार गर्मी इतनी ज्यादा हो रही है ना, आई जस्ट हेट समर्स। ट्राई करके देखना, दीवाने हो जाओगे। अरे यार कोई एसी चला दो। सो हेलो गाइस, हियर आई एम बैक टू यू विद अनदर इंपॉर्टेंट वीडियो। सो दोस्तों, सबसे पहले दोस्तों बताओ, कैसे और आप लोग पढ़ाई कैसे चल रही है, जीवन में क्या चल रहा है ये बताओ। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप लोग एकदम एकदम बढ़िया होंगे, कोई दिक्कत परेशानी नहीं आ रही होगी पढ़ने में और जीवन में कहीं पे भी। अभी रिजल्ट का सीन चल रहा था, सब कुछ अब खत्म हो गया होगा, आप नॉर्मल हो चुके होंगे, आप बैक टू स्टडी आ चुके होंगे। सो दोस्तों सबसे पहले तो मैं आज मेन बात पे आता हूँ। आज हम लोग मिले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करने के लिए। पहले तो ये बताओ, आज हम मिले क्यों हैं, आज हम क्यों मिले हैं? सो यारो, आज हम मिले हैं अपनी लास्ट 3 मंथ्स की स्ट्रेटजी डिस्कस करने के लिए। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपके सारे डाउट, आप लोग इतने दिनों से बहुत सारे डाउट्स आ रहे थे, कुछ बच्चे जिनका अनफॉर्चुनेटली अभी एग्जाम क्लियर नहीं हुआ उनके सारे डाउट्स आ रहे थे, कुछ बच्चे जिन्होंने नया ग्रुप स्टार्ट किया है उनकी काफ़ी प्रॉब्लम्स आ रही थी कि अब लास्ट 3 मंथ्स को हम स्ट्रक्चर कैसे करें। गैस देखो, एक तो होती है स्ट्रेटजी सब्जेक्ट वाइज, ठीक है, एक तो होती है सब्जेक्ट बेस्ड स्ट्रेटजी, और एक होती है आप ओवरऑल स्ट्रेटजी बनाते हो कि हर चीज़ को स्ट्रक्चर कैसे करना है। ठीक है, अभी मैं पहले आपको ये बताता हूँ कि कुछ ही टाइम बाद मैं आप लोगों के लिए सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटजी निकालने वाला हूँ, बट आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि आपको अपने ये 3 महीने किस तरह से प्लान करने, किस तरह से स्ट्रक्चर करने, ताकि आपको बीच में कोई दिक्कत ना आए। क्योंकि दोस्तों एक अच्छा प्लान अगर आपका बन जाता है ना, तो आधा काम आपका हो जाता है। तो आज हम मिले हैं इसी चीज़ की प्लानिंग करने के लिए। ठीक है, तो काफ़ी सारे आपके डाउट्स थे, पहले मैं उनको भी क्लियर करूंगा, इसी के साथ वो स्ट्रेटजी के अंदर ही कवर हो जाएंगे सारी चीज़ें आपकी, और कोई भी डाउट आपका नहीं बचेगा। तो दोस्तों इन वेरी सिंपल लैंग्वेज मैं आपको यही कहूंगा कि आज की वीडियो आप लोग के लिए होने वाली है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, तो इस वीडियो को एंड तक देखना ताकि आपका एक भी डाउट ना बचे और आप अपने 3 मंथ्स को बहुत अच्छी तरीके से स्ट्रक्चर कर सको। सो दोस्तों विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स हिट आवर टुडेज टारगेट। सो गाइस, सबसे पहले तो हम बात करते हैं उन स्टूडेंट्स के बारे में जिन्होंने अभी रिजल्ट के बाद, अब रिजल्ट आपका पॉजिटिव आया चाहे नेगेटिव आया वो कोई बात नहीं है, वो इरिस्पेक्टिव ऑफ दैट, आप लोगों ने अपना एक ग्रुप पढ़ना स्टार्ट कर दिया है। मतलब एक ग्रुप या तो क्लियर हो गया होगा या अनफॉर्चुनेटली रह गया होगा, अब आपने रिजल्ट के बाद अपना नेक्स्ट ग्रुप पढ़ना स्टार्ट किया है, और अब आपके मन में सवाल आ रहा है, मेरे पास काफ़ी लोगों ने पूछ लिया ये बात कि 3 मंथ्स आर 3 मंथ्स सफिशिएंट फॉर क्लियरिंग अ सिंगल ग्रुप। तो दोस्तों ये वेरी करता है स्टूडेंट टू स्टूडेंट। अब सपोज अगर आप वो स्टूडेंट हो जिनका अनफॉर्चुनेटली अभी ग्रुप क्लियर नहीं हुए, आपने बोथ ग्रुप दिए थे या सिंगल ग्रुप दिए थे, ठीक है, अगर तो आपने बोथ ग्रुप दिए थे तो ऑब्वियसली आपका सिलेबस तो हो ही चुका होगा, तो आपको क्या करना है, रिवीजन करनी तो आप ऑब्वियसली दे सकते हो, ठीक है। और उन स्टूडेंट्स की मैं बात करूँ जिन्होंने एक ग्रुप दिया था और एक ग्रुप उनका बाकी था, एक ग्रुप अनफॉर्चुनेटली क्लियर नहीं हुआ और दूसरे ग्रुप पे वो जा चुके हैं, तो दोस्तों आप लोगों के लिए सिंपली मैं ये कहूँगा कि देखो एक ग्रुप आपका हो तो सकता है, प्रिपेयर बिल्कुल हो सकता है, बट आप क्या करना, जो आपका ग्रुप रह गया है ना अनफॉर्चुनेटली उसको पक्का करते हुए चलना, और जो नया ग्रुप आपने स्टार्ट किया है उसको बस थोड़ा थोड़ा टाइम देते हुए चलना। देखो ये बात मैं आपको इसलिए नहीं कह रहा कि आपका हो सकता है कि नहीं हो सकता, देखो मैं आपको ये बात इसलिए कह रहा हूँ ताकि आप एक सेफ साइड पे चलो, ऐसा ना हो कि आप दो ग्रुप के चक्कर में दोनों को टकरा जाओ, एक का सिलेबस हो भी रखा हो एक का ना भी हो रखा हो, और दोनों के चक्कर में आप किसी की पढ़ाई ढंग से ना कर पाओ, ठीक है। तो जिस चीज़ का सिलेबस आपका ऑलरेडी हो चुका है उसको तो पक्का करते हुए चलो, और जो आपने नया ग्रुप उठाया है उसको धीरे धीरे कोशिश करो कि अप्रैल एंड तक खत्म कर दो उसे, ठीक है। तो दोस्तों ये बात थी उनके लिए जिनका अभी अनफॉर्चुनेटली एक ग्रुप क्लियर नहीं हुआ था या फिर बोथ ग्रुप दिए थे बोथ क्लियर नहीं हुए। अब आपका एक ग्रुप अभी क्लियर हो चुका है, एक ग्रुप अब बाकी है, अब आप CS एग्जीक्यूटिव का सेकंड ग्रुप, अब चाहे वो ग्रुप 1 हो चाहे ग्रुप 2 हो, अब आप प्लान कर रहे हो कि अब हमें जून में देना है और जून में क्लियर करना है। तो दोस्तों सबसे पहले क्लियर आंसर तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि हाँ, टाइम इज सफिशियंट, आप बिल्कुल कर सकते हो। दोस्तों अब ये डिपेंड करता है, डिपेंड कैसे करता है, अगर आप ग्रुप 1, कई बच्चे ऐसे होते हैं पहले ग्रुप 2 देते हैं फिर ग्रुप 1 देते हैं, और मेजर बच्चे ऐसे होते हैं कि पहले ग्रुप 1 देते हैं बाद में ग्रुप 2 देते हैं, ठीक है। देखो अगर आपका ग्रुप 1 हो चुका है तो वेरी गुड, और ग्रुप 2 नहीं हुआ है तो सुनो बात, ग्रुप 2 आपका बहुत ईजिली कवर हो जाएगा क्योंकि ग्रुप 2 का सिलेबस कंपेरेटिवली ग्रुप 1 से काफ़ी कम है, ठीक है। बट पढ़ाई का लेवल तो बिल्कुल सेम है, आपको पढ़ना तो अच्छा खासा पड़ेगा ही, ठीक है, बट अगर ग्रुप 2 के लिए जाते हो तो आप ईजिली क्रैक कर सकते हो उसको, ठीक है। और दोस्तों अगर आपका ग्रुप 2 हो चुका है और ग्रुप 1 बाकी है और आप ग्रुप 1 अब जून में देना चाहते हो, तो दोस्तों इसके लिए आपको लगना पड़ेगा पागलों की तरह, पागलों के इन द सेंस कि मतलब दिन में 10-12 घंटे आपको पढ़ना पड़ेगा, आपको अपना अप्रैल एंड तक अपना सिलेबस खत्म करना पड़ेगा किसी भी तरह, क्योंकि आपके पास टैक्स लॉ भी है, कंपनी लॉ भी है, जो कि अपने आप में ही एक दूसरे के बाप है,
तो आपको इस हिसाब से पढ़ाई करनी है कि आपका अप्रैल एंड तक सिलेबस खत्म हो जाए। और सही बताऊं तो सिलेबस हो भी जाएगा, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। बस आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करनी है, नथिंग एल्स। ठीक है, तो यस हो सकता है आपका। तो आई थिंक आपको ये आंसर मिल चुका है कि आर 3 मंथ्स सफिशियंट और नॉट। यस 3 मंथ्स आर एब्सोल्युटली सफिशियंट, तो बस पढ़ो और क्लियर कर दो। और हाँ, अगर आपके मन में ये डाउट आ रहा है कि यार हम सिलेबस तो कर लेंगे अप्रैल एंड तक किसी भी तरह, बट रिवीजन का क्या, तो दोस्तों उसकी टेंशन आप बिल्कुल मत लो, वो मैं अपने आप ही आपको बता दूंगा कि आपको रिवीजन कैसे करनी है, किस तरीके से आपको अपना शेड्यूल बनाना है रिवीजन का, उसकी टेंशन बिल्कुल मत लो। अभी आप फोकस करो कि आपका किसी तरह सिलेबस एक बार खत्म हो जाए। दोस्तों अगर आपने कहीं से क्लासेस ली है तो आपको थोड़ी सी हार्डशिप आ सकती है, लेकिन अगर आप सेल्फ स्टडी वाले स्टूडेंट्स हो तो आई थिंक आपका सिलेबस कंपेरेटिवली जल्दी खत्म हो जाएगा उनसे जिन्होंने क्लास ली है, क्योंकि क्लासेस लेते हैं तो टाइम ड्यूरेशन ऑब्वियसली बढ़ ही जाता है, बट सेल्फ स्टडी करते हैं तो पॉइंट टू पॉइंट जाते हैं और जल्दी खत्म हो जाता है सिलेबस। ठीक है, तो डिपेंड करता है, वो आपका डिसीजन है कि आपको कहीं से क्लास लेनी है या फिर सेल्फ स्टडी करनी है। आई थिंक ये डिसीजन आपने ले भी लिया होगा। तो दोस्तों ये था आंसर पहले आपका डाउट का कि आर 3 मंथ सफिशियंट और नॉट। यस दीज आर सफिशियंट। अब दोस्तों मैं उन स्टूडेंट्स के ऊपर आता हूँ जिन्होंने दिसंबर में एग्जाम दिए ही नहीं, वो अब जून 2023 में अपना सिंगल ग्रुप या बोथ ग्रुप प्लान कर रहे हैं। दोस्तों आप लोगों के लिए, अगर तो आप बोथ ग्रुप के लिए जा रहे हो ना, तो आप लोगों के लिए डेडलाइन है मार्च एंड। दोस्तों किसी भी हालत में मार्च एंड तक अपना सिलेबस रोक देना। उसके बाद करना क्या आपको, उसके बाद जितना सिलेबस आपने कर लिया ना, आई होप सो कि आप लोग अपना पूरा सिलेबस कवर कर लो मार्च एंड तक, बट अगर नहीं होता है ना तो भी सिलेबस रोक देना। सबसे पहले तो आप जितना भी सिलेबस आपने करा है पहले उसको रिवाइज करना, और अगर आपको बाद में कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ भाई जितना मैंने करा है उतना मेरे दिमाग में पक्का हो चुका है, अब ये कॉन्सेप्ट हिलेंगे नहीं, तो दोस्तों उसके बाद आपका जो बैकलॉग बचा है, आपका जो थोड़ा बहुत चैप्टर अगर कहीं बचे हैं तो वो आप कंप्लीट करना। बट अगर बोथ ग्रुप के लिए आप जा रहे हो तो मार्च एंड के लिए सिंपल सी बात है, मार्च एंड पे अपना सिलेबस रोक देना और रिविजन स्टार्ट कर देना। अब बात आती है उनकी जिन्होंने सिंगल ग्रुप देना है जून 2023 में। तो दोस्तों आप लोगों के लिए सिलेबस रोकने की डेडलाइन है अप्रैल मिड। जो बच्चे सिंगल ग्रुप दे रहे हैं जून 2023 में, वो अप्रैल मिड में अपना सिलेबस रोक दें और अपनी रिवीजन के लिए चालू हो जाए। और बाकी चीज़ें आप लोगों के लिए सेम रहेंगी कि अगर आपका कोई पोर्शन रहता है, कोई चैप्टर आपके रह जाते हैं रिमेनिंग, तो वो आप करना कवर बाद में, पहले जितना हो गया है उसको अप्रैल मिड के बाद रिवाइज करके खत्म करना, उसको पक्का कर लेना अपने माइंड में। ठीक है, तो बिल्कुल ही सिंपल। तो रिवीजन कब आपको रोकनी, मतलब रिवीजन कब आपको स्टार्ट करनी है और सिलेबस कब रोकना है वो आपको पता लग चुका है। सो अगर मैं आपको एक क्रक्स में बताऊं कि ये रिवीजन का क्या चक्कर है, तो दोस्तों अगर आप सिंगल ग्रुप दे रहे हो ना तो एटलीस्ट आपको 30-40 days की रिवीजन चाहिए नेसेसरीली, एंड अगर आप बोथ ग्रुप दे रहे हो तो दोस्तों आपको 50-60 days की रिवीजन नेसेसरीली चाहिए ही चाहिए, मैंडेटरी। कोई इसके ऊपर आप चांस नहीं ले सकते कि कम रिवीजन करें ज़्यादा रिवीजन करें। आपको अब तक तो ये पता लग गया होगा, अगर नहीं पता लगा तो मैं बता देता हूँ कि रिवीजन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द प्रोफेशनल एग्जाम्स। सो आई थिंक दोस्तों आपके माइंड में एक छोटी सी क्लैरिटी आ चुकी होगी कि आपको कब कैसे क्या करना है। ठीक है, अब मैं एक बात बताता हूँ उन स्टूडेंट्स के लिए जो रीअपियरिंग है, जो अब दोबारा से जून 2023 में अपना एग्जाम दे रहे हैं, उनके लिए मैं बहुत ही इफेक्टिव एक चीज़ बताने वाला हूँ कि आपको किस तरीके से रिवाइज करना चाहिए। हालांकि सबके रिवीजन करने के तरीके अलग होते हैं, बट मैं आपको एक तरीका बताता हूँ जिससे एक इफेक्टिव स्टडी हो सकती है। दोस्तों अब आपको पता है कि सिलेबस तो सीएस का काफ़ी वास्ट होता है, अब एग्जीक्यूटिव हो चाहे प्रोफेशनल हो, सिलेबस तो वास्ट होता ही है, सिलेबस में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं। तो अब उसको रिविजन कैसे करें, काफ़ी लोगों को ना ये प्रॉब्लम होती है कि यार इतना सारा सिलेबस रिवाइज कैसे करेंगे, दब जाएंगे हम तो सिलेबस के नीचे। मैं बताता हूँ एक बहुत ही बढ़िया तरीका, जैसे जैसे आप अपना आगे बढ़ रहे हो ना, सिलेबस कर रहे हो, चैप्टर आपके हो चुके होंगे, नोट्स भी आपने बना रखे होंगे, आप क्या करा करो, सपोज आप सिक्योरिटी लॉ पढ़ रहे हो, ठीक है, और साइड में आपकी सपोज लगा लो EBCL की बुक रखी है। सो दोस्तों सिक्योरिटी लॉ तो आप उस दिन पढ़ ही रहे हो, तो सिक्योरिटी लॉ के ऊपर तो आपकी कमांड चली रही है, आप क्या करना, रैंडमली 1-2 घंटे बाद पढ़ते पढ़ते आप EBCL का जो भी आपका नोट्स है, बुक है, जो भी जिससे भी आप पढ़ते हो, वो रजिस्टर उठाना और रैंडमली उसका कोई पेज खोल लेना, रैंडमली कुछ भी। देखो सिलेबस तो आपने पूरा पढ़ ही रखा होगा, ऐसा तो कोई है नहीं कि कोई चैप्टर आउट ऑफ सिलेबस है, ऐसा कुछ नहीं होता, पूरा बुक आपने पढ़नी है। ठीक है, तो आपने जैसे सपोज रैंडमली कोई पेज खोल लिया, आप मैं कह रहा हूँ ना ये सबसे बेस्ट तरीका है, आपको देखना कौन सा पेज खुला है, उस पर देखना कौन सा कॉन्सेप्ट है, उस कॉन्सेप्ट को पहले तो खुद का माइंड में याद करने की कोशिश करना कि मैंने इसमें पढ़ा क्या था। सपोज अगर याद नहीं आता, देखो याद ऐसा नहीं आएगा, ऐसा हो सकता है, इट इज़ नॉर्मल। देखो सिलेबस इतना वास्ट है, खुद को डीमोटिवेट करने की जरूरत है नहीं। एक तो यार ये गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है ना, आई जस्ट हेट समर्स। आपको समर पसंद है, विंटर जरूर बताना भी। तो मैं कहा था EBCL पे, तो EBCL में जो आपने पेज खोला
वो EBCL में जो पेज खोला है ना उस कॉन्सेप्ट को पहले तो मेमोराइज करने की कोशिश करना। अगर वो याद आ जाते तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता तो कोई दिक्कत नहीं, उसको पढ़ लेना, ठीक है। अब इसका फायदा क्या होगा दोस्तों, आपको क्या करना है उस कॉन्सेप्ट के साथ साथ उसके पीछे के दो पेज, उसके आगे के दो पेज फटाफट नजर मार लेना 5 मिनट के अंदर अंदर, और फिर जो सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हो ना उस पर लग जाना वापस से। भाई मैं आपको बता रहा हूँ, इससे बेस्ट तरीका कुछ हो ही नहीं सकता। देखो क्या होता है ना, लॉ है सारे के सारे, कहीं ना कहीं कोई चीज़ें इंटरकनेक्ट करती हैं, ठीक है। बाई चांस हो सकता है कि आपने जो चीज़ देखी है वो थोड़ी सी आउट ऑफ ट्रैक जा रही है आपके उस सब्जेक्ट से जो आप अभी पढ़ रहे हो, बट मैं कह रहा हूँ इससे आपके दूसरे सब्जेक्ट के साथ भी कनेक्टिविटी बनी रहेगी। ये ट्राई करके देखना आप क्या करना है, आपको पता लग गया ना, जैसे आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो तो दूसरे सब्जेक्ट के कोई नोट्स रखना अपने आसपास और रैंडमली पढ़ते पढ़ते बीच में उसके कोई पेज खोल लेना और देखना उस पेज पे कौन सा कॉन्सेप्ट है, उसको याद करने की कोशिश करना। याद आ जाता अच्छी बात है, नहीं याद आता तो उसको पढ़ लेना उसके पीछे के दो पेज और उसके आगे के दो पेज एक बार जल्दी से 5 मिनट नजर मार लेना और अपने आप पढ़ाई पर लग जाना जो आप पढ़ रहे थे। बहुत ही बढ़िया तरीका है, आप ट्राई करके देखना, दीवाने हो जाओगे। सो दोस्तों अब आती है हमारी एक लास्ट एक और इम्पॉर्टेंट बात जो कि आपको जाननी बहुत ज़रूरी है दोस्तों। ये भी उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए हैं जो रीअपियरिंग स्टूडेंट्स हैं, जो जून में दोबारा से एग्जाम दे रहे हैं, जिनका अनफॉर्चुनेटली अभी फरवरी में रिजल्ट आया और नेगेटिव आया, उनको क्या करना चाहिए दोस्तों। देखो आप लोगों के लिए सिंपल सी बात ये रहेगी कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप देखना आपकी कमी कहाँ रह गई है, ठीक है। बड़ी ज्ञान वाली बातें हैं तो ठीक है, आप देखना आपकी कमी कहाँ रह गई है जो कि हर कोई आपको बोलेगा ही। आपको करना क्या है ना, देखो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ आप लोगों में से ऐसा कोई नहीं होगा जिसका थोड़े बहुत चैप्टर्स या फिर थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट आप छोड़ के गए हो, ठीक है। आप में से हर एक बच्चा कोई ना कोई कॉन्सेप्ट जरूर छोड़ के गया होगा या फिर कोई ना कोई चैप्टर जरूर छोड़ के गया होगा। दोस्तों आपको क्या करना है कि इस मंथ में जो मार्च का महीना है ना, आई थिंक अब तो देखो आधा महीना जा भी चुका है मार्च का, अब तो बस 15 दिन बचे हैं, आई थिंक अराउंड 15 डेज ही बाकी हैं। तो आप कोशिश करना कि इस महीने में अपना बैकलॉग पूरा कर लो, जितनी भी आपने चीज़ें छोड़ रखी थी पहले उसको कंप्लीट कर लो। एंड उसके बाद आपको पता है बाद में तो रिवीजन करनी है, बाद में आप कोई नई चीज़ उठा नहीं पाओगे, इसलिए जो भी पहले का रहता है ना उसको आप खत्म कर लेना, उसके बाद अपनी रिवीजन पे लग जाना। एंड दैट्स इट, अपने पास्ट ईयर पेपर सॉल्व करने हैं, ये तो ब्रह्मास्त्र आपको पता ही है, पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स ऑफ ICSI। एंड दैट्स इट। सो दोस्तों ये था यार आज के लिए, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, आपको जितने भी डाउट्स थे आपके सारे क्लियर हो चुके होंगे। अगर अब भी कोई डाउट रहता है आपका, अब भी कोई कन्फ्यूजन है आपके माइंड में, तो कमेंट बॉक्स में जल्दी से डाल दो, हम डिस्कस करके उसको क्लियर कर लेंगे। देखो डिफरेंट स्टूडेंट्स होते हैं, सबके अलग अलग डाउट्स होते हैं, आई एम डैम श्योर कि सबके डाउट्स डिफरेंट हो सकते हैं, ठीक है। मैंने तो आपको जनरली एक बातें बताई हैं सारी कि जो हर एक बंदे पे अप्लाई हो सकती हैं, बट आई एम श्योर कि आपके मन में और भी कन्फ्यूजन्स होंगी, वो आप कमेंट बॉक्स में जरूर डाल देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बस गर्मी दिक्कत वाली बात है, बाकी आप कमेंट बॉक्स में डाल देना और हम जल्दी से उसको डिस्कस करके क्लियर कर लेंगे। बाकी अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो दोस्तों जल्दी से कर लो सब्सक्राइब, एंड नाउ आई टेक योर लीव। बस इतना ही था आज के लिए, मिलते हैं बहुत ही जल्दी अपनी एक और अमेजिंग सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्टे सेफ, टेक केयर, अपना ध्यान रखना, अपनी फैमिली का ध्यान रखना, एंड थैंक यू सो मच आरो फॉर वॉचिंग द वीडियो, कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग एंड कीप शेयरिंग द वीडियो, थैंक यू सो मच आरो, बाय। अरे यार कोई AC चला दो।